आधा बर्ज़ है। नाज़रीन आप देख रहे हैं रूबरू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। गोलकुंडा छोटा बाजार में वाकई एक मकान को सरकारी अराजी बताते हुए बल्दी हकाम ने पुलिस की निगरानी में मुनहदिम कर दिया। मकीनों को मारपीट और गौसेपा के निशान की बेहुरमती करने का इल्जाम। महकमे एक्साइज की जानिब से धूलपेट में धावे करते हुए गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे गांजे के रैकेट्स को किया गया बेनकाब। भारी मकदार में गांजा किया गया जब्त। अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल की सीढ़ियों से गिरने की वजह से 28 साल खातून फौत। मलकाजगिरी पुलिस ने मुश्तबा मौत का केस किया दर्ज। इंटरमीडिएट डिग्री और इंजीनियरिंग कोर्सेज की फीस बाज़ अदायगी के लिए अलहदा बजट मख्तस किया जाए। मुख्तलिफ एसोसिएशंस ने रियासती वज़ीर तालीम से की नुमाइंदगी। देखते हैं खबरों की तफसील। गोलकुंडा इलाके में वाक़ छोटा बाजार साले नगर कंचा के एक मकान को बलदी अहदेदारों ने पुलिस की मदद से मुनहदिम कर दिया। जबकि मालिक मकान का कहना है कि मस्कूरा मकान उनकी मौरूसी जायदाद है और कई साल से वो इस मकान में मुकीम हैं। रात के अंधेरे में चोरों की तरह बलदी हुक्काम ने तकरीबन अलग सुबह 4 बजे पुलिस की निगरानी में इस मकान की इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। मालिक मकान के मुताबिक न सिर्फ मकान को ज़मीन दोज किया गया बल्कि मज़ाहमत करने पर मकीनों और उनके बच्चों को मारा पीटा भी गया है। सवाल आखिर यह पैदा होता है कि आधी रात को इस इलाके में दाखिल होते हुए पुलिस की निगरानी में इस एक मकान को मुनहदिम करने के पीछे जीएचएमसी का क्या मकसद है। शहर को तरक्की याफ्ता बनाना और शहरियान को मुख्तलिफ सहूलतें पहुँचाना बल्दिया अजीमतर हैदराबाद की जिम्मेदारी है। ताहम बिसाओकात ये देखने में आया है कि यही महकुमा आवाम को तकलीफ देने और उन्हें रातों रात बेघर करने का काम भी करता आया है। ऐसे ही एक वाक़े में बल्दी अहदेदारों ने रात के अंधेरे में चोरों की तरह गोलकुंडा इलाके में वाक़े छोटा बाजार साले नगर कंचा के एक मकान को आनन फानन मुनहदिम कर दिया। मालिक मकान मोहम्मद हफीज के मुताबिक मस्कुरा मकान उनकी मौरूसी जायदाद है और कई साल से वो इस मकान में मुखीम है। ताहम कुछ अरसा कबल हुकूमती अराजी बताते हुए बल्दी अहदेदारों ने वहाँ बोर्ड नस्ब किया था और उसके जवाब में मालिक मकान ने अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए हुक्म इल्तवा भी हासिल किया था। जबकि पिछले 3 दिन से बल्दी अहदेदार किसी न किसी बहाने इस मकान को मुनहदिम करने की गर्ज से चक्कर काट रहे थे, लेकिन मालिक मकान और पड़ोसियों की मजाहमत की वजह से वो इन्हदामी कार्रवाई अंजाम देने से खासिर रहे। पीर की अलग सुबह तकरीबन 4 बजे बल्दी अहदेदारों ने पुलिस की भारी जमीयत के हमरा इस इलाके में पहुंचते हुए दहशत मचाई और मकान को जमीन दोज कर दिया। मस्कुरा मनाजिर को देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई दहशत पसंद इस मकान में पनाह लिया हुआ है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की गर्ज से पुलिस और बल्दी अहदेदार इस इलाके में पहुंचे हैं। जबकि मकान में मौजूद खवातीन और नौजवानों के अलावा बच्चों के साथ नाजेबा सलूक किया गया और उन्हें मारा पीटा गया और एक ही रात में इस मकान के मकीनों को बेघर कर दिया गया। मालिक मकान और ख्वातीन ने सिलसिले में मीडिया को बताया कि मकान मुनहदिम करते वक्त गौसे पाक के निशान की बेहुरमती भी की गई और उसे भी जेसीबी के जरिए रौंदा गया। मीडिया की जानिब से पुलिस से इस्तफसार करने पर लाइल्मी का इजहार किया गया, जबकि वीडियोस में देखा जा सकता है कि पुलिस की भारी जमीयत रात के 4 बजे इस मकान के रूबरू बल्दी हकाम का साथ दे रही है। सवाल ये पैदा होता है कि जीएचएमसी अहदेदारों को आखिर ऐसा कौन सा दबाव था जिसके तहत उन्होंने रात के अवकात में इस मकान को मुनहदिम किया और अदालत के अहकाम की तक परवाह नहीं की गई, बल्कि ये कहा गया कि मस्कुरा दस्तावेजात जाली हैं।
متاثرہ مکینوں نے ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ، میئر حیدرآباد بی رام موہن، ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین اور وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے اپیل کی ہے کہ خاطی جی ایچ ایم سی عہدیداروں اور ان کا ساتھ دینے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف مناسب کارروائی کی جائے اور ان کی نقصان کی پابجائی کرتے ہوئے ان کی اراضی اور مکان واپس کیا جائے۔ ہمارے بچے سامنے ہیں تو بچوں کو ڈھکل دیے، ہمارے گلاتوں سے مارے سب، ہمارا جینا حرام کر دیے، ہمارے شوہر کو ہارٹ اٹیک آ کے دوا خانے میں بھی ایڈمٹ کرے۔ یہ توڑنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے کو ہماری زمین، ہماری زمین ہے سب، ہماری زمین پہ ہم تینوں بھائیوں کی زمین تھی، دونوں ایک بڑے بھائی بنا لیے اور چھوٹے بنا لیے، سیکنڈ بھائی ہے، غریب تھے نو، اس لیے پیسہ لینے سے نہیں بنا سکے سب۔ اب یہ دو سال پہلے ہم لوگ بورڈ ڈالے تھے وہاں پہ، بورڈ ڈالنے کے بعد میں سے ہماری زمین پہ ہم گھر بنا لیں گے، بلکہ بورڈ ڈالے تو صاحب وہ آ کے کیا کرے، وہ بورڈ لگا دیے، گورنمنٹ کی زمین ہے بلکہ، پھر ہم کیا کرے، اس کے بعد میں سے کیس کرے گئے کورٹ کو، گئے تھے وکیل کے پاس، گئے تو وکیل کا آرڈر بھی آیا ہمارے کو آ گیا، تو پھر ہم نہ کیا کرے صاحب، گھر شروع کر دے کے تین مہینے پہلے گھر میں ڈالنا شروع کر دیے صاحب، جب بھی توڑ دے کے چلے گئے، جب بھی ہمارا 2 لاکھ کا نقصان کر دیے صاحب، ابھی بھی ہم کورٹ کا آرڈر کیا ہے سے بنا ہوا ہے صاحب، 2 بار توڑ کے چلے گئے صاحب، اب تو ہمارا گھر پورا برباد کر دیے، سامان پورا وہ کر دیے، میرے شوہر بھی پریشان ہے۔ 85 کی رجسٹری کی زمین ہے ہمارے، جب بنانے کے واسطے ہم کوشش کرے تو بورنگ ڈالے تو بورڈ لا کے لگا دیے صاحب، ہم ایم آر او صاحب کنے پھرے، منڈل کو پھرے، کلیکٹر کنے پھرے، سب جگہ پھرے صاحب، کوئی بھی کچھ نہیں بولے تو پھر ہم وکیل کو پکڑ کے کورٹ سے آرڈر لائے صاحب، کورٹ کا آرڈر بھی ہے صاحب ہمارے گھر، کورٹ کا آرڈر رہا تو بھی رات کے 3:30 بجے صاحب 300-400 پولیس والے آ کے دھنا دھن بلڈوزر لا کے توڑ دیے صاحب، ایم ایل اے صاحب روکنے کے واسطے آئے صاحب، ایم ایل اے صاحب آئے تک پورا توڑ دیے صاحب، ان لوگوں نوٹس وغیرہ کورٹ کا، ہم ہمارے پیپر بتا رہے تو پولیس والے بول رہے ڈپلیکیٹ پیپر ہے، یہ ہم نہیں سنتے، ہم نہیں دیکھتے، حالانکہ ہمارے کہنے کورٹ کا آرڈر ہے صاحب، کورٹ کے آرڈر کو نہیں سنتے بول رہے، کیا بول رہے انسپیکٹر منور علی، انسپیکٹر صاحب بول رہے یہ فیف ہے سب، یہ غلط ہے پیپر، یہ پورے پیپر غلط ہے بول رہے، ہمارے کہنے ابھی بھی ہاتھ میں فائل ہے صاحب، یہ پورے فائل ہے صاحب، بتائیے ڈاکومینٹس ہے پورے 85 کے ڈاکومینٹس، یہ کورٹ کے آرڈر ہے صاحب، اس کو بھی نہیں مان رہے صاحب، 3 دن سے ہمارے پیچھے پڑے صاحب، ہم بولے پہلے ہمارے کو سبل مارو پھر دیوار کو گراؤ، بولے چلے گئے صاحب، 2 دن چلے گئے، اب رات کے 3:30 بجے آئے صاحب، مسجد کی عذاب ہی ہو رہی تھی صاحب، ان لوگوں کا بلڈوزر ہے، ویڈیو میں فٹ ہے صاحب، یہ آپ دیکھ لو، جھنڈا بھی گرا دیے بولو صاحب، ہمارا جھنڈا ہے صاحب، ہمارے پیر کے جھنڈے کو بھی گرا دیے صاحب، سب بھگوں نے سب ہر چیز نقصان کر دیے صاحب، ہمارا آپ کا نام، یہ پراپرٹی اونر سے لیے تھے صاحب، ہمارے دادا لیے تھے صاحب، گرینڈ فادر، وہ مر گئے، 3 جنوں کو دیے صاحب، انہوں 3 جنوں کا ہے صاحب، اس کے اندر حصہ، پوری بستی ہمارے سپورٹ میں ہے صاحب، پورے آزو بازو والے سب ہماری تائید میں ہے صاحب، یہ پولیس والے صاحب آنے دے رہے نہیں، ایم آر او صاحب آنے دے رہے نہیں، ہمارے پولیس یہ سب غلط پیپر آئے، غلط پیپر آئے بول رہے صاحب، گورنمنٹ کے پیپر آئے صاحب، ہمارے ہاتھ کے بنے ہوئے نہیں ہے یہ۔ محکمہ ایکسائز کی جانب سے کچی شراب اور گڑمبا بند کرنے کے لیے کئی اقدامات جاری ہیں اور ان اقدامات کی وجہ سے متاثر ہونے والے تقریباً 500 افراد میں فی کس 2 لاکھ روپے امداد بھی فراہم کی گئی ہے، جبکہ 114 افراد کو آٹوز بھی دیے گئے ہیں۔ ڈی سی پی ایکسائز وویکانند کے مطابق پچھلے 2 ہفتوں میں متاثر افراد کی بعض آباد کاری کے لیے کئی اقدامات کیے گئے، اس کے باوجود یہاں کے افراد گانجے کی غیر قانونی منتقلی میں ملوث پائے گئے ہیں۔ پیر کو صبح کیے گئے دھاووں میں ایکسائز ٹیم نے گانجے کے کئی ریکٹس بے نقاب کیے اور بھاری تعداد اور بھاری مقدار میں گانجا ضبط کیا۔ حراست میں لیے گئے افراد میں ومشی کرشنا کشور سنگھ کے علاوہ دیگر شامل ہیں۔ ایکسائز اداروں نے ان دھاووں کے سلسلے میں میڈیا کو تفصیلات بھی بتائیں۔ گڑمبا مفت دل پیٹ ڈکلیئر کرنے کے بعد اکٹوبر میں کمپلیٹ 100% گڑمبا کمپلیٹ بند ہو گیا ایکسائز ڈپارٹمنٹ ایفرٹ سے۔ یہ گڑمبا بند ہونے کے بعد تھوڑے لوگ یہ گانجہ بیچنا شروع کرے بول کے ہم لوگ اس کو پہلے ہم لوگ یہ گڑمبا لوگوں کو ریہیبلیٹیشن کرنے کے لیے گورنمنٹ کا جی او جو ایک ایک آدمی کو فائنینشیل اسسٹنٹ 2 لاکھ روپے دینے کے لیے جو فائنینشیل اسسٹنٹ کا جو جی او آیا وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ کام پہ ہم لوگ پورے ڈپارٹمنٹ
दुलपेट स्टेशन और हम लोग वही काम पे जुड़ा हुआ, उसमें कम ऑलमोस्ट 500 पीपल, 500 लोगों को हम लोग एक एक आदमी को दो लाख के ऊपर, 2 लाख का फाइनेंशियल, थोड़े लोगों को किराना शॉप, टेंट हाउस, एक सौ के ऊपर लोगों को 114 लोगों को ऑटोस एंड ऑटो ट्रैलीस, ऐसा पूरे 500 लोगों को रिहैबिलिटेशन कर दिए ऑलरेडी। जो लोग गुड़म्बा छोड़ के और पहले से गंजा करने वाला थोड़ा लोग, वो क्राइम ऐसे चल रहा था, हम लोग दूसरे काम से थोड़ा बिजी रहने से ये गांजा सेल्स बढ़ गए बोल के हमारे को रिपोर्ट्स था। वो हम लोग ये रिहैबिलिटेशन वर्क कंप्लीट होने के बाद सेकंड फेज़ को थोड़ा टाइम है, ये फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होने के बाद ये गांजा सेल्स का देखे तो बहुत ख़राब दिख रहा दुलपेट का पोजीशन। ऑलमोस्ट 25 से 30 लोग ये गांजा बेचने में एंगेज हो गया। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब विवेकानंद रेड्डी साहब इमिडिएटली वो गांजा के ऊपर अपन स्पेशल ड्राइव। मलकजरी में वाकई एक अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल की सीढ़ियों से गिरने की वजह से 28 साल खातून फौत हो गई। ताहम पुलिस के मुताबिक ये एक मुश्तबा मौत का वाकया है। तफसीलात के मुताबिक मुतवफिया खातून नागलक्ष्मी के शौहर ने बताया कि पीर की अलग सुबह 4:30 बजे वाकया पेश आया जिसका कोई ऐनी शाहिद मौजूद नहीं है। यही वजह है कि पुलिस इस वाकये को शक की निगाह से देख रही है। मलकजरी पुलिस ने नाश को बौरज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकल किया और मुश्तबा मौत का केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज किया गया। शमशाबाद में वाकई राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गैर कानूनी तौर पर स्मगल किए जा रहे सोने की जब्ती का सिलसिला जारी है। कस्टम हुकाम ने पीर को कुवैत से हैदराबाद सफर करने वाले दो मुसाफिरों के कब्जे से 32,80,000 रुपये मालियती तलाई के कड़े जब्त किए। तफसीलात के मुताबिक एक मर्द और खातून मुसाफिर जजीरा फ्लाइट से हैदराबाद पहुंचे थे कि शक की बुनियाद पर कस्टम हुकाम ने उनकी तलाशी ली, जिसके बाद जुमला 1 किलो 47 ग्राम सोना उनके कब्जे से बरामद हुआ। कस्टम हुकाम ने दोनों मुसाफिरों को RGIA पुलिस के हवाले कर दिया। रियासी में तालीम के श्रीहरी ने सेक्रेटेरिएट में प्राइवेट इंटर और डिग्री कॉलेजेस के मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन और जिम्मेदारान के साथ एक इजलास मुनाक़िद किया। बाजार प्राइवेट इंटर डिग्री कॉलेज एसोसिएशन क़ायद सिंदा ने मीडिया के माध्यम से बात करते हुए तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि साल 2018-19 के बजट में इंटरमीडिएट डिग्री कोर्स और इंजीनियरिंग के लिए फीस रीएम्बर्समेंट अलहदा तौर पर मख्तस करने का मुतालबा किया गया है। उन्होंने बताया कि रियासी तालीम ने इस सिलसिले में तयकुन भी दिया है। नायब वज़ीरे आला वज़ीरे तालीम कड़ियम श्रीहरी ने सेक्रेटेरिएट में प्राइवेट इंटर व डिग्री कॉलेजेस के मुख्तलिफ तंजीमों के क़ायदीन के साथ एक इजलास का इनेखाद अमल में लाया। बाद अज़ां प्राइवेट इंटर व डिग्री कॉलेज एसोसिएशन के क़ायद सुंदर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने साल 2018-19 के बजट में इंटर डिग्री कोर्स और इंजीनियरिंग के अलावा दीगर प्रोफेशनल कोर्सेस के लिए फीस रीइंबर्समेंट व स्कॉलरशिप के लिए अलहदा बजट मख्तस करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की है। इसके अलावा ऑनलाइन दाखिले डिग्री कॉलेजेस में देने के अलावा दीगर नुमाइंदगियां भी की गई हैं। नायब वज़ीर-ए-आला कड़ियम श्रीहरी ने उन्हें इस बात का तयखुन दिया कि वह अंदरून 15 यौम इस सिलसिले में एक इजलास मुनाक़िद करेंगे। ఎక్కువ శాతం ఉన్న పిల్లలు ఇంటర్ డిగ్రీ ఆల్మోస్ట్ 10 లక్షల మంది ఇంటర్ డిగ్రీ విద్యార్థులు ఉంటారు, వారికి రీఎంబర్స్మెంట్ 600 కోట్లు. అది కాస్త బడ్జెట్ని సపరేట్ చేసి క్వార్టర్లీ 200 క్రోర్స్ రిలీజ్ చేయమని వారిని కోరడం జరిగింది।
مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے حیدرآباد میں منعقدہ عالمی آئی ٹی کانفرنس کو مخاطب کیا. انہوں نے کہا کہ ہندوستان ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو فروغ دے رہا ہے اور اس کے ذریعے تعلیم کو پھیلانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں 500 ملین انٹرنیٹ کنیکشنز موجود ہیں. مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے حیدرآباد میں منعقدہ عالمی آئی ٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ہندوستان ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو فروغ دے رہا ہے اور اس کے ذریعے تعلیم کو عام کرنے میں بھی مدد حاصل ہو رہی ہے. مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے بتایا کہ ملک بھر میں 500 ملین انٹرنیٹ کنیکشن موجود ہیں جس میں روز بروز تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے تلنگانہ ریاست میں آئی ٹی شعبے میں کیے جانے والے اقدامات کی ستائش کی. اس موقع پر ریاستی وزیر آئی ٹی کے ٹی راما راؤ نے بھی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ریاست میں آئی ٹی شعبے کو بڑے پیمانے پر فروغ دیا جا رہا ہے اور ای بزنس میں ریاست ملک بھر میں سر فہرست ہے. اس کے علاوہ دنیا بھر کی مشہور و معروف کمپنیاں اپنے دفاتر حیدرآباد میں قائم کرنے کے لیے رابطے میں ہے. کے ٹی راما راؤ نے اس بات کا اعلان کیا کہ مستقبل میں تلنگانہ بھر کے 1 کروڑ مکانات کو انٹرنیٹ سے مربوط کیا جائے گا. Access is not negotiable. That's how we are seeking to change the entire country. With this digital profile, new technology is coming, from artificial intelligence to blockchain to IoT to a whole range of other platforms, and we want to tap all. I'm very happy in this interaction. Artificial intelligence is occupying a very key space. And I wish to congratulate NASSCOM for coming with a very good platform of reskilling of young people, in which my department in the IT ministry is going to give a lot of support and assistance, because it is a teamwork. Hyderabad occupies an eminent space in the global information technology landscape. Hyderabad's growth in IT industry, IT in fact, has begun close to 2 decades ago with High Tech City, and since then it has grown by leaps and bounds to become the second largest IT exporter in India. This sector currently employs close to 500,000 people directly, but this is only the starting point. Since the formation of the state of Telangana 3.5 years ago, we have been striving hard to achieve progress in every sphere of economic activity, and information technology has been and will be one of our topmost priorities. With its ideal location in the country, favorable climate, presence of some of the best educational institutions in our country, and a friendly policy regime, we have been able to attract some of the best technology firms from across the globe, such as Google, Microsoft, Apple, Salesforce, Uber, Amazon, Facebook, and many more. I'm confident we will continue to bring in the best of the breed in the coming years too. Information technology has a great potential to impact lives once it is taken to the deeper roots of the society. In fact, our Honorable Chief Minister, Shri K. Chandrasekhar Rao, never fails to remind us that technology which does not have social impact, technology which does not help the vulnerable, technology that does not come to the rescue of the common man, is futile. Therefore, all of our initiatives in our state are centered around this theme. One of the ways in which we are driving penetration of IT services in the state is through our flagship program called as T-Fiber. You may be aware. وزیر اعظم نریندر مودی نے حیدرآباد کے ایچ آئی سی سی میں منعقدہ عالمی آئی ٹی کانفرنس کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مخاطب کیا. انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کے ڈیجیٹل انڈیا کے تحت کامیابی کے ساتھ سفر جاری ہے اور صرف حکومت کی کاوشوں کے ذریعے یہ ممکن نہیں بلکہ اس میں عوام کو بھی حصہ ادا کرنا ہوگا. وزیر اعظم نریندر مودی نے حیدرآباد کے ایچ آئی سی سی میں منعقدہ عالمی آئی ٹی کانفرنس سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل انڈیا کے تحت کامیابی کے ساتھ سفر جاری ہے اور یہ صرف حکومت کی کاوشوں کے ذریعے ممکن نہیں بلکہ اس میں عوام کو بھی اپنا حصہ ادا کرنا ہوگا. انہوں نے بتایا کہ ملک بھر کے 1 لاکھ دیہاتوں کو آپٹیکل فائبر سے مربوط کیا جا رہا ہے اور ملک کے 320 ملین غریب
करीब अफराद ने मोबाइल और आधार कार्ड के जरिए अकाउंट खोलते हुए 700 करोड़ रुपये जमा किए हैं, जबकि डिजिटल निज़ाम के जरिए ख़वातीन को भी रोज़गार से मरबूत करते हुए उनकी तरक्की को भी मुमकिन बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में मुनक़िदा आईटी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले दुनिया भर से आए हुए मंदुबीन का हिंदुस्तान और हैदराबाद में खैर मकदम किया। ज़िले संगारेड्डी के अमीनपुर पुलिस स्टेशन हदूद की सगनूर कॉलोनी के आईटीडब्ल्यू फ्लैट नंबर 54 में पेश आई सरखे की वारदात पे सारिखीन ने 15 तोले तलाई जेवर के अलावा 1 तोला नखरीवी जेवरात का सरखा किया। जिस वक्त सरखे की वारदात अंजाम दी गई उस वक्त मालिक मकान घर पर मौजूद नहीं थे और खुफल शिकनी के जरिए वारदात अंजाम दी गई और पुलिस ने क्लियोस टीम के साथ मकान का जायजा लिया और इस सिलसिले में मुख्तलिफ जावियों से अमीनपुर पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। ఈరోజు ఉదయం మళ్ళీ హైదరాబాద్ రిటర్న్ వచ్చేసాను, అంతలోపు ఇంట్లో దొంగతనం అయ్యింది. సో ఇది కారణం ఏంటంటే లాక్ బ్రేక్ చేసేసి మొత్తం సామాను దగ్గర దగ్గర పదైతులాల బంగారం వెండి 1 కేజీ వెండి తీసుకెళ్లారు, దొంగతనం జరిగింది. సో ఇది మాకు ఎలా జరిగింది అనేది ఇంతవరకు ఇంకా లేదు, పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. క్యాష్ ఏం లేదండి, అంటే ఎప్పుడు జరిగింది? నిన్న రాత్రి జరిగింది, ఆదివారం రాత్రి జరిగింది అండి. శనివారం ఉదయం సాయంత్రం కూడా పనాయమ చూసింది, అప్పటివరకు అయితే తాళం ఉంది. సో ఆదివారం నిన్న రాత్రి మాత్రం నేను మా మదరు మా భార్య ఎవరు లేకుండా అలా చేసి మా ఇట్లా దినవారాలు ఉంటే ఊరికెళ్ళాము. సో 2 రోజులకు సో ఆ 2 రోజులు ఊరికెళ్ళి వచ్చేలోపు ఇలా జరిగింది. ఐటీడబ్ల్యూ సిగ్నోడ్ కాలనీ బిరంగూడ శనివారం మార్నింగ్ ఫిర్యాదుదారుడు వాళ్ళ నాయనమ్మ చనిపోయినందువల్ల ఇంటికి తాళం వేసి వెళ్ళిపోయి ఈరోజు వచ్చి చూసుకునేసరికి తాళం పగలగొట్టి ఉండింది. లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే ఆ బీరువా తాళాలు కూడా అక్కడనే ఉన్నాయి, అవి తీసుకొని అఫెండర్ దొంగతనం చేసుకుని వెళ్ళడం జరిగింది. ఫిర్యాదు ఎంత ఉందని అడిగితే అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 14 తులాల వరకు ఉందని చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళ ఇంకా పూర్తి సంవత్సరం గోల్డ్ విషయం వాళ్ళ భార్య తెలుసు, ఆమె వచ్చిన తర్వాత ఆమె స్టేట్మెంట్ కూడా రికార్డ్ చేస్తాము. ప్రజలకు ఒక విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మీరు ఇంటికి కెమెరా కాలనీల కెమెరాలు పెట్టుకోవడం వల్ల ఈ దొంగతనాలు కొంతవరకు నివారించవచ్చు. ఈ మధ్యకాలంలో యూట్యూబ్లో కూడా ఒక చూసాము, 1000 రూపాయలకు అలారం తాళం కూడా వస్తుంది. ఆ అలారం తాళం కూడా లాక్ కూడా మనం ఇంట్లో అమర్చుకున్నట్టయితే నైట్ టైంలో ఆన్ చేసుకోవడం వల్ల మనం ఇంట్లో లేని సమయంలో కూడా ఆన్ చేసి పెడితే ఎవరైనా అన్నోన్ పర్సన్ కానీ ఎవరైనా వచ్చి ఇంట్లో మన పరిసర ప్రాంతాల్లో అడుగు పెట్టగానే అలారం అవుతుంది, చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా అలర్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, మాకు కూడా సమాచారం తెలియపరుస్తారు. కావున అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేయడం ఏంటంటే సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని మనం చేస్తున్నాం. بی جے پی کے ریاستی صدر ڈاکٹر لکشمن نے کلاکاروں کی منعقدہ ایک تقریب کو مخاطب کیا. انہوں نے تلنگانہ کے کلاکار ملک کی آزادی سے لے کر ریاستی تلنگانہ کی تشکیل تک کے رول پر روشنی بھی ڈالی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گیتوں کے ذریعے انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے اور ریاست کی تہذیب کو اجاگر کرنے میں بھی ان کا اہم حصہ رہا ہے. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కళాకారులకు, కవులకు, రచయితలకు, సాహితీవేత్తలకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చేదానికి చేస్తున్నటువంటి కృషిని నేను అభినందిస్తూ తెలంగాణ సాధనలో ప్రధాన భూమిక పాత్ర పోషించిన దాంట్లో కళాకారులు, కవులు, రచయితలు, సాహితీవేత్తలు, గాయని గాయకులు అంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఉద్యమానికి ఊపిరి పోసింది ఆనాడు తెలంగాణ కళాకారులు. కమిషన్ పోలీస్ హైదరాబాద్ వివి శ్రీనివాస్ రావు నే సైబర్ క్రైమ్ సే ముతాలిక్ ఏక్ ముఖ్తసర్ షౌర్ బేదారీ ఫిల్మ్ కో రిలీజ్ కియా. ఇస్ ఫిల్మ్ కే డైరెక్టర్ రాజా మౌలి,
स्टार्स के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में शऊर बेदारी की सख्त ज़रूरत है और इस शॉर्ट फिल्म में शऊर बेदारी के तमाम पहलुओं को उजागर किया गया है। CCS के आला अहदेदार अविनाश मोहंती के अलावा एडिशनल कमिश्नर क्राइम स्वाति लाकरा और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। हैदराबाद ईव टीजर्स गुंडेलो रैल परगेटा शी टीम सदसारधी ना सचार अधिकारी स्वाति लक्रा गार की डीसीपी डीडी माकंदर की अभिमान पात्रुडैन मा डीसीपी गारु अविनाश मोहंती वारी एडिशनल डीसीपी जोगय्य रघुवीर वीर की मुंदुगा ना कृतज्ञतलु ना अभिनंदनलु एंदुकंटे పోలీస్ ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు ఇటువంటి పనులు చేయాలని ఉన్నా కూడా చేసే సమయం దొరకదు. ఆ సమయాన్ని తీసుకొని అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలని భావించి వారు చేసినందుకు ముందుగా వారికి కృతజ్ఞతలు. వారికి సహాయం చేసినందుకు మంచి మనసుతో साबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुना लक्ष्मैया ने विरार तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और TRS अराकीन पार्लिमान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने मरकजी हुकूमत के खिलाफ खामोशी अख्तियार की है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के पेशकर्दा बजट में तेलंगाना आवाम के साथ होने वाली नाइंसाफी पर खामोशी अख्तियार की गई है और तेलंगाना आवाम के साथ धोखादही की गई है। साबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पी लक्ष्मैया ने मीडिया से बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव और TRS अराकीन पार्लियामेंट पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने मरकजी हुकूमत के पेश करदा बजट में तेलंगाना आवाम के साथ होने वाली नाइंसाफी पर लोकसभा और राज्यसभा में जो खामोशी इख्तियार की है इससे तेलंगाना आवाम को न सिर्फ मायूसी हुई बल्कि तेलंगाना की आवाम ने इस बात को महसूस किया है कि तेलंगाना हुकूमत उनके साथ धोखा कर रही है। उन्होंने बताया कि साबिक सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी ने तेलंगाना आवाम की तरक्की के लिए रियासत की तश्कील अमल में लाई थी लेकिन 4 साल से इख्तदार पर फायज TRS हुकूमत हर शोबे हयात में नाकाम है। फलकनुमा पुलिस ने मुतनाजा मलयाली फिल्म के खिलाफ नोटिस जारी की है और अंदरून 15 दिन डायरेक्टर उमर लुलू को इस सिलसिले में जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। तफसीलात के मुताबिक मकामी नौजवानों ने मुतनाजा मलयाली फिल्म के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इस फिल्म के एक गीत में इस्तेमाल किए गए लफ्ज़ों पर इम्तनायत करने का मुतालबा किया गया था। इलाहाबादी जामिया निज़ामिया ने भी इस सिलसिले में एक फतवा जारी किया है। एक दिन फलकनुमा पुलिस स्टेशन पे मलयाली फिल्म और अदर लव के डायरेक्टर के ऊपर केस दर्ज किया गया था। वो केस दर्ज करने के बाद हमने तहकीकात जारी की। ये तहकीकात में हमने कल वो डायरेक्टर उमर लोलू को ये नोटिस इशू किया था। मलकपेट में वाक़ डॉन हाई स्कूल और क्रोमागुड़ा सईदाबाद में वाक़ केर हाई स्कूल में तलबा और तालिबात को इम्तिहानात की तैयारी करने के सिलसिले में खुसूसी इंटरैक्टिव सेशंस का अहतमाम किया गया। टोस्ट मास्टर और पब्लिक स्पीकर सैयद ज़ियाउर रहमान ने सेशंस के दौरान तलबा और तालिबात पर जोर दिया कि वो अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें और छुपी हुई सलाहियतों को भी उजागर करें। सेशंस की सदारत डायरेक्टर डॉन हाई स्कूल फजलुर रहमान कुरम और सेक्रेटरी केयर स्कूल वहीदुद्दीन अंसारी ने की। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा बानी क्रिस्टल ट्रस्ट के अलावा डॉक्टर सैयद इकरामुल्लाह हुसैनी और दीगर भी मौजूद थे। मोहम्मद ताहिर फराज सेक्रेटरी क्रिएटिव एजुकेशन सोसाइटी ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया। Don't predict the future. If you really want to predict the future in a positive manner. But don't think that अरे ये question मैं ये साल मैं fail होने वाला हूँ मैं से. If you are predicting in that way, then what will happen? All the question papers will you will feel that some of you may have the exercises. Otherwise, the best exercise for us
is prayer. If you are doing the prayer, that is one of the best exercise I can say. Is prepare physical, breathe in and breathe out. But how many of us really practicing, you know, the breathe in, breathe out? How many of us are realizing our life is nothing but just breathe in? जब हम पैदा हो गए तो क्या किए? सबसे पहले सांस लिए. जब इस दुनिया से जब चले गए तो क्या किए? सांस छोड़ दिए. ब्रीथ आउट. आखिर में हम खबरें एक बार फिर. गोलकुंडा छोटा बाजार में वाक़े एक मकान को सरकारी अराजी बताते हुए बल्दी हकाम ने पुलिस की निगरानी में मुनहदिम कर दिया. मकीनों को मारपीट और गौसे पाक के निशान की बेहुरमती करने का इल्ज़ाम. महकमे एक्साइज की जानिब से धूलपेट में धावे करते हुए गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे गांजे के रैकेट्स को किया गया बेनकाब. भारी मेदार में गांजा किया गया जब्त. अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल की सीढ़ियों से गिरने की वजह से 28 साल खातून फौत. मलकाजगिरी पुलिस ने मुश्तबा मौत का केस किया दर्ज. इंटरमीडिएट डिग्री और इंजीनियरिंग कोर्सेज की फीस बाज अदायगी के लिए अलहदा बजट मख्तस किया जाए. मुख्तलिफ एसोसिएशन ने रियासती वजीर तालीम से की नुमाइंदगी. इसी के साथ उर्दू न्यूज यहीं अख्तिताम पजीर होती है. रियासती कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज. हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत लेते हैं कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा. अस्सलाम वालेकुम.